नमस्ते सभी को जी। तो हम अभी अभ्यास एक कर रहे हैं। अभ्यास एक में हम स्वयं को देखने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। मूलतः चैतन्य द्वारा चैतन्य को देखने का प्रयास कर रहे हैं। इसके स्टेप वन पे हमने भाव के प्रति सजग होने का अभ्यास किया, बिना बदले, बिना प्रतिक्रिया किए, बिना मूल्यांकन किए, बिना कुछ जोड़े घटाए, जैसा है वैसा देखने का अभ्यास किया। स्टेप टू में हमने इस बात को जांचा कि भाव मेरा मुझे सहज रूप से स्वीकार है कि नहीं। स्टेप थ्री पे हमने देखा कि इस भाव के साथ मेरी स्थिति जो है वो सुखद है कि नहीं। स्टेप फोर पे हमने ये देखना शुरू किया कि अल्टीमेटली इस भाव का निर्णय कौन ले रहा है, मैं स्वयं या बाहर की कोई परिस्थिति या कोई अन्य व्यक्ति। तो दिखता है कि इसका निर्णय मैं स्वयं लेता हूं। इससे भी निष्कर्ष निकलता है कि मैं अपने सुख दुख के लिए 100% जिम्मेदार हूं। और फिर इससे दो महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते हैं। एक तो ये कि मुझे स्वयं पे काम करना है, स्वयं में परिमार्जन करना है। यदि मेरा भाव, जो मेरा चयन है, वो ठीक नहीं है, जिससे मैं दुखी हो रहा हूं, तो मुझे अपने ऊपर काम करना है। दूसरी बात यह कि अब मेरे अंदर दूसरों के प्रति शिकायत का भाव नहीं रहता। अब मुझे दिखता है कि दूसरे का व्यवहार जैसा भी हो, परिस्थितियां जैसी भी हो, यदि मैं दुखी हो रहा हूं तो मेरी जिम्मेदारी है, अगले की नहीं, क्योंकि भाव का निर्णय मेरा रहा है। ये स्टेप फोर में हमने ऑब्जर्व किया। स्टेप फाइव में हमने देखना शुरू किया कि जिस भाव का निर्णय मैंने स्वयं लिया है, उसका आधार क्या है, समझ या मान्यता। तो आधार में यदि समझ होती है तो मेरे भाव की निश्चितता होती है, स्थिति मेरी सुखद होती है, सहज होती है। परंतु यदि आधार में मान्यता है तो अनिश्चित रहता है, कभी सुखद, कभी दुखद, कभी सहज, कभी असहज। न निश्चितता होती है, न निरंतरता होती है। तो फिर उससे ये पता लगता है कि मुझे समझने की आवश्यकता है। एक शिफ्ट ये ले रहे हैं हम 4 to 5 और 5 to 6 में, कि 4 में बस इतना डिसाइड किया कि मुझे अपने ऊपर काम करना है, ठीक। 5 में ये डिसाइड किया मुझे अपनी समझ के लिए काम करना है। उस क्रम में फिर ये भी मूल्यांकित होने लगता है कि ऐसी क्या चीजें हैं जिसको मान्यता के रूप में मैंने माना हुआ है। तो उस क्रम में हमने बहुत सारे इश्यूज भी टेकअप किए जहां हमारी मान्यताएं जुड़ जाती हैं। ऐसे हजारों इश्यूज हो सकते हैं जिसको हम मान के पूरा कर रहे हैं। तो उसको थोड़ा सा ओपन रखेंगे तो हो सकता है ऐसी बहुत सारी मान्यताएं हो जिसको हमने समझ मान लिया है, सही मान लिया है, ठीक मान लिया है। अब वो पता लगता है कि वो मान्यता ही थी, या हमने कहीं पे अपने आप को समझदार मान लिया है और पता चला कि अभी भी तो मान के ही जी रहे थे। तो ये थोड़ा सा अपने आप में ओपन अप करते हैं तो बहुत सारा स्कोप दिखाई देता है। अब स्टेप 5 to 6 में और थोड़ा सा उसको डीप डाउन देखते हैं कि समझना है तो क्या समझना है। तो अपनी सहज स्वीकृति को देखना शुरू करते हैं कि मेरी सहज स्वीकृति क्या है, संबंध की या विरोध की, व्यवस्था की या अव्यवस्था की, सहस्तित्व की या संघर्ष की। तो दिखता है कि मेरी जो सहज स्वीकृति है वो तो संबंध के भाव की है, व्यवस्था के भाव की है, सहस्तित्व के भाव की है, न कि अन्यथा। तो फिर इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि ये देखना तो मुझे ही है, तो मैं कहां से देखूंगा, क्या दिखेगा मुझ में, क्या होगा। तो पता चलता है कि मुझे संबंध के भाव के चिंतन की आवश्यकता है, व्यवस्था के बोध की आवश्यकता है, सहस्तित्व के अनुभव की आवश्यकता है। ये निष्कर्ष मैं अपने अंदर देख पाता हूं। इतनी बात हम लोगों ने कल की थी, और इस क्रम में जो करने योग्य काम है वो तो काफी सारा है। अभ्यास तो हम लोग क्रमशः हर दिन 2 दिन 3 दिन पे, है ना, आगे बढ़ जा रहे हैं, परंतु इसमें जो अपने लिए करने का काम है वो काफी सारा है और उसको हमको सतत करते रहना है।
जिसमें आप पाएंगे मूल बात तो भाव के प्रति सजग होने का है। एक बार भाव के प्रति सजगता बनने लगती है तो 2 और 3 यानी सहज है कि नहीं, सुखद है कि नहीं, ये तय होने लगता है। ये भी हो जाता है कि हम अपने आप में तो देख ही लेते हैं कि निर्णय तो मेरा ही रहता है। तो भाव की सजगता के साथ भी हम अभ्यास से गुजरे हैं, ठीक है ना, तो 2, 3, 4 तो हम एक बार में ही उसको पूरा कर लेते हैं या सहजता से पूरा कर लेते हैं। ठीक, फिर 5 पे जाकर काम करना शुरू करते हैं कि समझ है या मान्यता। तो यदि मान्यता है तो फिर उसको हम जोड़ कर देखते हैं कि संबंध से जुड़ा है, कि व्यवस्था से जुड़ा है, इस सहअस्तित्व से जुड़ा है। तो सहअस्तित्व से तो जुड़ा हुआ है ही, व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है और संबंध से भी जुड़ा होगा। तो इसमें चिंतन की वस्तु क्या है, बोध की वस्तु क्या है, इन बातों को हम अपने आप तय करने लगते हैं और ये काम हमारे अंदर सतत चलता रहता है। अब ये काम हमको सतत रूप से करते जाना है, फैला कर करना है, जीने के हर आयाम में, हर स्तर पर, हर अवसर पर, हर परिस्थिति में इसको करते रहना है। इसमें ये भी कल बात हुई थी कि इसको अगर हम करने जाते हैं तो जितना हम भागीदारी फैल के करते हैं, जितनी हम जिम्मेदारियां स्वीकारते हैं व्यवस्था में, उतना इसकी अनिवार्यता बनती है। नहीं तो हमारे पास एक चॉइस रहता है, देखिए देखिए, ना देखिए ना देखिए। परंतु जब हम जिम्मेदारी स्वीकार लेते हैं तो देखने की अनिवार्यता बनती है। जैसे यदि हमारा अपना परिवार हो जाता है, पत्नी बच्चे हो जाते हैं, तो उस परिवार में समृद्धि को सुनिश्चित करना हमारे लिए एक अनिवार्यता बन जाती है। उससे पहले अगर हम अपने माँ पिता पे डिपेंडेंट हैं तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये मूलतः मेरी जिम्मेदारी नहीं है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। बट जब हम अपने परिवार की जिम्मेदारी स्वीकार लेते हैं तो वहां समृद्धि को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, ठीक है ना। वैसे संबंध को स्वीकार लेते हैं तो संबंध में न्याय सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, कि अगर संबंध में वह सुख नहीं हो रहा तो मुझे इस अपने ऊपर काम करना है, वह सुख के अर्थ में काम करना है। वैसे ही हम आगे बढ़कर परिवार समूह में जिम्मेदारी स्वीकारते हैं, समाज के भिन्न भिन्न आयामों में जिम्मेदारी स्वीकारते हैं, शिक्षा तंत्र में जिम्मेदारी स्वीकारते हैं, स्वास्थ्य तंत्र में जिम्मेदारी स्वीकारते हैं, तो एक अनिवार्यता बनने लगती है। वह हमारे लिए सहयोगी भी होता है। तो हमारी जितनी योग्यता होती है उसके आधार पर हम निर्णय ले सकते हैं, जिम्मेदारी को स्वीकार सकते हैं। फिर अपने अंदर जो पोटेंशियल है वो भी दिखाई देने लगता है, ये पोटेंशियल तो है, उस पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं किया है ना। तो ये बात हम लोग सुन पा रहे हैं कि हाँ, हर मनुष्य की चाहना ठीक है, हर मनुष्य में पोटेंशियल है, ठीक, हर मनुष्य के लिए यही कार्यक्रम है। बट इसको देखने में समय लगता है और इसमें देखने के लिए जीने वाला भाग बहुत जरूरी है। तो ये हम सबके लिए एक अनिवार्यता है कि हम आगे बढ़कर भागीदारी करें, जिम्मेदारी स्वीकारें, तो अपने ऊपर ठीक से काम कर पाते हैं, अपनी मान्यताओं का मूल्यांकन कर पाते हैं, अपनी संवेदनाओं का मूल्यांकन कर पाते हैं कि कैसे हम निर्भर हो जाते हैं मान्यताओं पर, संवेदनाओं पर, अपने सुख के लिए। फिर हम जो अपने अंदर विचार में तुलन भी कर रहे हैं, वहां दृष्टि क्या है, उसका भी ठीक ठीक आकलन कर पाते हैं। तो अपने आप में ये करने का काम है कि अभी हम कल्पनाशीलता के आयाम में जी रहे हैं, तो उसमें विचार पे ये काम हो कि हम देखें कि तुलन हमारा किन दृष्टियों पे हो रहा है, हम न्याय के साथ कर रहे हैं या हित लाभ के अर्थ में कर रहे हैं, हम अभी किस तरह के आस्वादन के लिए प्रयास कर रहे हैं, ये स्वयं में सही समझ, सही भाव के आधार पर सुख का आस्वादन हो, या दूसरे से कोई अनुकूल भाव पाकर सुख का आस्वादन हो, या शरीर से अनुकूल संवेदना पाकर सुख का आस्वादन हो, कहाँ ध्यान है। वैसे इच्छा के स्तर पे काम कर पा रहे हैं, काम कर पाते हैं कि अभी मेरे लिए सुखपूर्वक जीने के लिए क्या चित्रण अंदर काम कर रहे हैं, भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए। और उस क्रम में फिर चिंतन की अनिवार्यता बनती है जब हम भागीदारी फैल के करते हैं, जिम्मेदारी स्वीकारते हैं। और आपको दिखेगा कि इससे हमारे अंदर एक आशा भी बलवती होती है
कि अगर शिक्षा विधि से ये हर बच्चे तक पहुंच जाए, हर बच्चा अपने ऊपर काम करना शुरू करे, चिंतन के लिए, बोध के लिए, अनुभव के लिए, हर बच्चा व्यवस्था को समझे, व्यवस्था में जीने का प्रयास करे, तो ये जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, विश्व स्तर की समस्याएं हैं, ये घुलने लगेंगी, मिटने लगेंगी, है ना, और इनका एक अस्थायी समाधान निकलने लगेगा। तो हमारे अंदर जो बहुत सारा शंका, भय, निराशा बनी रहती है ना, उससे भी हम निकल पाते हैं। हमारे अंदर एक स्फूर्ति दिखाई देती है, सुख दिखाई देता है, उत्साह दिखाई देता है। जी, तो इस पे हम लोग काम करें, करते रहें। इतनी बात को लेकर यदि किन्हीं का कोई प्रश्न हो, कोई शेयरिंग हो। इसमें ये भी आपको दिखाई देगा कि यदि मेरे पास अवसर होता है, खाली समय होता है, तो मेरा ध्यान कहाँ जाता है, मैं उस अवसर का सदुपयोग कहाँ करने जाता हूँ। वीकेंड होता है तो वीकेंड में मेरे अंदर क्या विचार चलता है, क्या करेंगे, ये वीकेंड समझने के लिए एक बेहतर अवसर है या कुछ और के लिए अवसर है। तो इन सब मुद्दों पे अपने को आकलन करना है कि खाली समय का प्रयोग कहाँ कैसे करना है, इसको लेकर हमारे अंदर क्या इच्छा बनी रहती है, क्या विचार चलता है। ठीक है ना, छुट्टियों का कैसे प्रयोग करना है, उससे ये तय हो पाता है कि प्रायोरिटी कितनी बन पाई है। तो बहुत ही बढ़िया, सारे रिस्पॉन्स यस में आ रहे हैं। तो अगर यदि अभी कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग इसके आगे के स्लाइड पे बात करते हैं, या ऐसा भी कर सकते हैं कि 10 मिनट ध्यान देते हैं अपने ऊपर, और इस बात को जो मैंने पूछा कि क्या मुझे संबंध के भाव के चिंतन की अनिवार्यता स्पष्ट है, या लगता है कि इसके बगैर भी सुख प्रयोग किया जा सकता है, या ऐसा लगता है कि अगर इसमें गए तो कहो जो अभी अनुकूलता बनी हुई है संबंध में वो भी चली जाए और दुख हो जाए। ऐसे बहुत सारे भाव विचार उत्पन्न हो सकते हैं, बारीकी से देखेंगे। तो हम लोग 10 मिनट का समय लगाते हैं, अपने ऊपर ध्यान देते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। बढ़िया, तो इसको हम अपने आप में देखें कि हर स्थिति परिस्थिति में क्या मुझे संबंध के भाव के चिंतन की आवश्यकता दिखाई देती है, व्यवस्था के बोध की आवश्यकता दिखाई देती है। फिर आगे जाएंगे तो फिर शास्त्र की अनिवार्यता भी दिखाई देगी कि शास्त्र के अनुभव की अनिवार्यता भी दिखाई देगी। तो इस पे हम अपने आप में अभी काम करते रहें, एक सतत काम है जो अपने ऊपर करते रहना। तो सही समझ, सही भाव, सहज भाव को सुनिश्चित करने के लिए, मतलब सही या सहज भाव को सुनिश्चित करने के लिए सही समझ की आवश्यकता है, ये बात हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। उदाहरण के लिए हम ये देख सकते हैं कि संबंध का भाव हमें सहज स्वीकार है, यदि मुझमें एक क्षण के लिए भी किसी के प्रति विरोध का भाव आता है तो यह मुझे सहज स्वीकार नहीं होता और उस क्षण में मैं दुखी होता हूँ। उसी प्रकार यह भी देख सकते हैं कि सहज रूप से तो हमें अस्तित्व का भाव ही स्वीकार होता है, यदि मुझमें एक क्षण के लिए भी संघर्ष का भाव आता है तो यह मुझे सहज स्वीकार नहीं होता, उस क्षण में मैं दुखी होता हूँ। तो भले ही अपने बच्चों को सिखा रहे हैं द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल एंड ओनली द फिटेस्ट कैन सर्वाइव, अस्तित्व के लिए संघर्ष की आवश्यकता है और स्वस्थतम ही उत्तरजीवी होगा, जो प्राकृतिक विकास के सिद्धांत के नाम पे हम सिखा रहे हैं, वास्तव में हमें यह तो सहज रूप से स्वीकार भी नहीं होता। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोग हो सकता है सिखा रहे हैं, संबंध के स्थान पर विरोध सिखा रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति, किसी समुदाय के प्रति, किसी समाज के एक हिस्से के प्रति, भले ही हम संबंध के स्थान पर द्वेष सिखा रहे हैं, बच्चों को प्रतिस्पर्धा में प्रवीण होने की शिक्षा दे रहे हैं आदि आदि, है ना, परंतु ये हमें सहज रूप से स्वीकार तो नहीं होता।
और एक क्षण के लिए भी हमारे अंदर विद्रोह का भाव आता है तो हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। वैसे ही एक क्षण के लिए हमारे अंदर संघर्ष का भाव आता है, जहां हमको ऐसा लगता है कि मुझे जीने के लिए दूसरे संघर्ष करना पड़ेगा, मेरा अपना अस्तित्व ही खतरे में है, मुझे अपने अस्तित्व पे शंका होने लगती है, मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा, ठीक है ना। तो इन सब बातों से मेरे अंदर जो स्थिति बनती है शायद सुखद तो नहीं होती। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज अपने को दिखाई देंगे जब इस पे हम ध्यान देंगे। नमस्ते भैया। जी हाँ नमस्ते। भैया, अभी जब मैं अपना देखती हूँ ना, तो जहां जहां मुझे संबंध का भाव दिखता है वहां पर मुझे जिम्मेदारी दिखती है। अभी हर जगह संबंध का भाव नहीं दिखता, ये भी मुझे पता चलता है। जहां दिखता है वहां जिम्मेदारी दिखती है और वहां मैं भागीदारी करती हूँ। तो एक तो ये बात मेरे को पता चल रही है कि जहां जहां वो भाव दिख रहा है वहां जिम्मेदारी भी है और भागीदारी भी है। अब भागीदारी वाली जगह को भी मैं देखू ना, तो जैसे मैं अपनी स्थिति को अभी देखू, तो अभी जैसे लेडीज है तो घर का काम तो रहता ही है, फिर मैं कॉलेज भी जाती हूँ और थोड़ा मेरा एग्रीकल्चर का काम रहे, वो भी मेरा मेरे पास फुल टाइम काम ही है। तो इन तीनों कामों को करते हुए अब मेरे अंदर पिछले कुछ दिनों से ऐसा चल रहा है कि मुझे जैसे ये ऑनलाइन इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप हो रहे हैं तो उसमें मुझे सेशन लेने का बहुत मन करता है, पर फिर मैं अपने लिए मैं उसको डिसाइड नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे ऐसा हर बार ऐसा होता है कि अभी टाइम नहीं है, अभी इतना सारा जिम्मेदारी लिया है और लूंगी तो वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी, तो उसका फिर मेरे को गिल्ट फीलिंग भी होता है। तो अब मेरे अंदर एक उलझन सी बन गई है कि मैं वो निर्णय ठीक ले पा रही हूँ कि नहीं ले पा रही हूँ, और दूसरा मैं जिम्मेदारी लेने को टाल रही हूँ या फिर मुझे लेना है या नहीं लेना है। तो ये कंफ्यूजन का स्थिति बन गया। फिर उसमें भी भैया जब मैंने अपने भाव को देखा तो सेशन नहीं लेना है ऐसा भाव मेरे अंदर नहीं आ रहा है, उसको मैं बार बार देख रही थी, तो सेशन लेना है ऐसा ही भाव आता है, पर फिर टाइम की कमी है ऐसा भी आता है। तो क्या मैं इसको मैं ठीक देख पा रही हूँ या मैं अपने आप को जस्टिफाई कर रही हूँ? वही तो, इसमें एक तो हम देखेंगे प्रायोरिटी बन पा रही है कि नहीं अपने आप में, दूसरा ये जो टाइम हमारा इन्वेस्ट हो रहा है उसका सदुपयोग और बेहतर ढंग से कैसे हो सकता है, उसको भी वर्कआउट करेंगे। तो मान लीजिए खेती में ही अपनी भागीदारी है, तो क्या ये सारा काम मुझे स्वयं करना होगा या मैं किसी साथी सहयोगी का सहयोग लेकर इस काम को पूरा कर सकती हूँ और कुछ समय मैं यहाँ पे लगा सकती हूँ या उसके टाइमिंग को फिर बदल कर सकती हूँ। तो ये तो हमें थोड़ा सा अपने आप में वर्कआउट करना होगा। तो परिवार की जिम्मेदारी है, व्यवसाय की जिम्मेदारी है ना, इन सब के साथ ये समाज में जो भागीदारी करनी है मुझे, उसके लिए अवसर तो निकालना बनता है। तो जैसे कई बार हम लोग कहते हैं ना कि हम जो भी आय कर रहे हैं उसका एक हिस्सा तो समाज के लगाना बनता है, वैसे ही दिन भर में जो हमारे पास समय है, सप्ताह भर में जो समय है उसका एक हिस्सा तो समाज के लिए लगाना बनता है। तो हम उसको समाज के लिए अगर लगाने जाते हैं तो किसी रूप में भागीदारी करेंगे, है ना, समझ के स्तर पे करेंगे तो ज्यादा सार्थक भागीदारी होगी। संबंध के स्तर पे भी भागीदारी कर सकते हैं कि संबंध के निर्वाह के समय लगा रहे हैं समाज के अन्य लोगों के साथ, परंतु वहां भी संबंध में यदि हम समझ के पुट को दे पाए ज्यादा अच्छी भागीदारी हो पाएगी। तो ये तो हमें अपने आप में निश्चित करना जरूरी है ना, कि अभी हम दिन भर में कितना समय स्वयं में सही समझ के लगा पा रहे हैं, कितना समय हम समाज में व्यवस्था में भागीदारी में लगा पा रहे हैं। तो ये तो अपने आप में थोड़ा देखना जरूरी है उसमें नहीं हम। भैया ये तो, जी हाँ भैया ये तो हो ही रहा है। अभी जैसे मैं अभी कॉलेज जा रही हूँ तो कॉलेज में जॉब नहीं कर रही हूँ, वहां पर वो 2 से 6 ये पठन अध्ययन ही हो रहा है इसका, तो वो जी कर रहे हैं हम लोग कॉलेज के कुछ लोग मिलके, और मैं भी जा रही हूँ। मैं भी कॉलेज से तो मैंने रिजाइन कर दिया, तो जी 4 घंटा मेरा वहां पर जाता है, और बाकी हम कुछ परिवार मिलके मेरे घर में भी हम लोग हफ्ते में 2 बार या 3 बार मिलते हैं, और इसी को हम लोग डिस्कस, ये मॉर्निंग एक्सरसाइज है उसी को हम डिस्कस करते हैं, वो भी मैं घर में कर रही हूँ, पर फिर भी ये बहुत मेरे को कम बढ़िया ही लगता है। वो तो मेरा रेगुलर भैया भैया 1-2 साल से 2 साल से कंटिन्यू है। बहुत ही बढ़िया। तो ठीक है दीदी, आप तो काफी समय लगा रही हैं, फिर सुबह के सत्र भी अटेंड कर रही हैं, मीटिंग्स भी कर रही हैं, अध्ययन भी साथ बैठ के कर रही हैं, तो हाँ उसमें फिर आप ये कर सकती हैं कि जो समय हम अभी वहां लगा रहे हैं एक हिस्सा कहीं और लगाया, बट अभी भी जितना समय आप लगा रही हैं
ठीक है मेरे हिसाब से, तो है ना, बढ़िया लगा रही हूँ। ठीक है हाँ भैया, ये सब तो मैं जब उसको अपने अंदर देखती हूँ ना, तो मेरे को वो भाव भी ठीक लगता है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं गलत भाव के साथ, पर फिर भी वो गिल्ट फीलिंग आता है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही। वो गिल्ट फीलिंग फिर मेरे को क्यों आता है बार बार? गिल्ट फीलिंग है क्योंकि हम उसका राइट इवैल्यूएशन नहीं कर पा रहे, है ना। जब हमें समय देना होता है तो हम निर्णय एक प्रकार से लेते हैं, परंतु उसके बाद जो हमने निर्णय लिया वो निर्णय हमने समझ कर लिया या कोई मान्यता के आधार पर ले लिया, ये हम तय नहीं कर पाते, तब गिल्ट फीलिंग आती है। तो किसी मोमेंट में जब हमको निर्णय लेना होता है, हम जो चुनाव करते हैं तो उस समय हमारी जो कल्पनाशीलता की स्थिति होती है उसके आधार पर करते हैं, बट वो कल्पनाशीलता की स्थिति में हम सारी बातों को शामिल नहीं कर पाते, है ना। इसलिए हमारा जो इवैल्यूएशन होता है होलिस्टिक नहीं होता, संपूर्णता के अर्थ में नहीं होता। फिर अगली बार जब हम अपने निर्णय का मूल्यांकन करने जाते हैं तो हमें गिल्ट आता है वहां पे, परंतु तो अगली बार फिर जब निर्णय लेना होता है हम वही निर्णय लेते हैं। इसका मतलब कि हमारे अंदर कुछ स्वीकृतियां बनी हुई हैं, है ना, वो समझ के आधार पे भी हो सकता है, मान्यताओं के आधार पे भी हो सकता है, वो हमें स्पष्ट नहीं है। तो कभी हम उसको जस्टिफाई करते हैं, कभी हमारे को वो अनुचित लगता है, कभी उचित लगता है, कभी अनुचित लगता है, इसलिए गिल्ट आता है। तो उसको हम संपूर्णता में देख ले, ठीक ना, भाई शरीर साधन है, इस बात का साधन है, वो हम देख ले शरीर का हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रयोग कर रहे हैं, कहाँ कहाँ करना बनता है, तो आवश्यकता क्या है और हम अभी उसका प्रयोग कैसे कर रहे हैं, उन दोनों का आकलन कर लें, उससे तय हो जाएगा। ठीक है भैया। जी हेलो, नमस्ते जी भैया। नमस्ते। भैया एक जो हम लोग आशा और इच्छा की बात करते हैं, तो इसमें हम लोग स्वयं को वेरीफाई कैसे कर पाएंगे कि हम अभी किस स्तर पर सोच रहे हैं? जैसे अभी दीदी भी बात कर रही थी, तो उसको हम क्या मतलब कैसे अपने में वेरीफाई कर पाए कि वो जो विचार मन में चल रहा है वो भी आशा स्तर पर ही है या वो इच्छा स्तर पर है? प्रधानता देखेंगे, प्रधानता क्या है, आस्वादन की प्रधानता है तो आशा के स्तर पर है, भाव की प्रधानता है तो इच्छा के स्तर पर है। पर जैसे भाव हम व्यवस्था में भागीदारी करना चाह रहे हैं, है ना? जी और पर जैसे कल भी आप एक एग्जाम्पल दे रहे थे कि किताबों में हम लोग शब्दों को ढूंढते रहते हैं, है ना? तो हम अपनी समझ बढ़ाना चाह रहे हैं, तो फिर उसको मतलब वेरीफाई हम कैसे कर पाएंगे कि अभी जो स्तर कहाँ तक पहुंचा है हमारे सोचने का? उसके अर्थ में हम कितना जा पा रहे हैं और उसके अर्थ में हम कितना जी पा रहे हैं। अच्छा, तो जिससे ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन में आता है अगर, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ इच्छा स्तर पर है। वही और तो भैया ये अर्थ, स्टेप वाइज ही होगा ना, जैसे आशा बनेगी उसके बाद ही इच्छा पर हम उसको वेरीफाई कर पाएंगे ना? हाँ तो आशा के स्तर पे तो मूल्यांकन नहीं होगा, आशा के स्तर पे उनको पता लगेगा यहाँ एक आस्वादन की आशा बनी हुई है, ठीक। और कई बार ये होता है कि अगर इच्छा के स्तर पे काम नहीं हो रहा तो बाहर से कुछ पाकर सुखी होने के आस्वादन की आशा बनी रहती है, परंतु जब इच्छा के स्तर पे काम करते हैं तो हम उस पूरी चीज को फैला के देखते हैं, अपनी भागीदारी को, उस व्यवस्था को, है ना, संपूर्णता में जोड़कर देखते हैं, तो वो जो स्वयं में देखने वाला काम है हो पा रहा है कि नहीं। जैसे हमने कोई शब्द सुना, मैं, ठीक है ना, शरीर, तो अब मैं के अर्थ में जाते हैं, इस क्षण, है ना, मैं क्या है, शरीर क्या है, तो हम शब्द को सुनते ही उसके अर्थ में जा पाते हैं। अदरवाइज हम शब्द तक रुक के रह जाते हैं और शब्द की कई बार विवेचना करने लगते हैं, वो भी उपयोगी है परंतु एक सीमा तक। उपयोगी इसलिए है क्योंकि अगर हम विवेचना ना करें, विश्लेषण ना करें, तो हम हो सकता है कि अपने भाव में चूक करते रहे, हमको पता ना चले, तो विश्लेषण का इतना उपयोग तो है कि फिल्टर आउट हो जाती है बहुत सारी चीजें, लॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शन दिखता है जब, कि यदि मैं जड़ है तो ऐसा कैसे, यदि मैं चैतन्य है तो ऐसा कैसे, ये सारा हम विचार में कर पाते हैं।
ठीक है ना, परंतु मैं का अर्थ में जाने का काम तो इच्छा के अवसर पर हो पाता है कि मैं एक इकाई के रूप में क्या हूं, कैसा हूं, मेरा संबंध क्या है शरीर के साथ, दूसरे मैं के साथ। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे सही प्रस्ताव के साथ, तो जो मूल वास्तविकताएं हैं उन पे ज्यादा ठीक से ध्यान जाएगा। मैंने सही प्रस्ताव इसलिए कहा क्योंकि यदि प्रस्ताव हमें संघर्ष का मिला है, प्रस्ताव हमें विरोध का मिला है, प्रस्ताव हमें अव्यवस्था का मिला है, तो हम वहां पे भी कई बार इच्छा के स्तर पे काम करते हैं, हाँ ठीक है, जी। और समाज में फैल के बड़े काम करते हैं। जैसे अगर हमें जिले का नेतृत्व कर रहे हैं, हम इतने बड़े मानव समुदाय मनु समूह का नेतृत्व कर रहे हैं, तो वहां भी इच्छा के स्तर पे तो काम करना बनता ही है, परंतु मान्यताओं के आधार पर कर रहे होते हैं और मान्यताएं धीरे धीरे और प्रगाढ़ हो जाती है। तो सिंपली इच्छा के स्तर पे एक्टिव होना अपने आप में विकास नहीं है। किस आधार पर एक्टिव हो रहे हैं, हम कम एक्टिव है परंतु जो भी आधार है वो सही भाव है, सही समझ है, तब तो मेरा विकास है। अगर सही समझ सही भाव उसके आधार में नहीं है, मान्यताएं आधार में, ठीक है ना, फिर तो हम कहीं विश्व युद्ध करा दें अपनी इच्छा के स्तर पर ही योजना बनाकर कि नहीं। तो हमें ये भी देखना होगा, तो सिर्फ इच्छा के स्तर पर एक्टिव होना इम्पोर्टेंट नहीं है, आधार में क्या है, आधार में सही भाव है या कोई मान्यता है, इसको भी देखेंगे। तो जो बात जहां से शुरू हुई, अगर आस्वादन की प्रधानता है, कुछ आस्वादन हो जाए, सुख मिल जाए, है ना, कुछ घटित हो जाए, उसमें प्रयास भी जो करना है वो भी क्लियर नहीं है, तो आशा की प्रधानता है। परंतु जब हम उस व्यवस्था के अर्थ में जा रहे हैं, भागीदारी को देख पा रहे हैं, तो इच्छा की प्रधानता है। इसमें फिर दो संभावनाएं, कि हम मानकर चित्रण कर रहे हैं, या सही प्रस्ताव को अपने अंदर जांचते हुए, सह स्वीकृति के आधार पर जांचते हुए हम चित्रण कर रहे हैं। ये दो संभावनाएं, तो मानकर अगर कर रहे हैं तो हम गलत दिशा भी पकड़ सकते हैं। जैसे सुविधा संग्रह को सुख मान लिया, तो उसके लिए हम पूरी धरती का शोषण संग्रह शोषण करने के लिए इच्छा बना सकते हैं, पूरे विश्व विजय की इच्छा बना सकते हैं कि नहीं। तो इस क्रम में ये होता है कि अगर हम अपने अंदर जांचते हुए और एक एक स्तर पर अपनी भागीदारी को देखते हुए करते हैं ना, तो हमारी योग्यता का आकलन भी होता जाता है और हमारी योग्यता सतत बढ़ती भी जाती है। जी तो हम भले ही गति हमें धीमी लगे, मगर दिशा सही रहे बहुत जरूरी है। और यदि हम अपना मूल्यांकन ठीक से करेंगे तो गति भी बढ़ेगी, क्योंकि वही शरीर है, वही 24 घंटे हैं दिन में, वही मैं है, मैं में वही पोटेंशियल है, वही क्रियाएं हैं, जी और यही कार्यक्रम है। जी जैसे भैया अब जैसे आजकल ये नैक वगैरह का चल रहा है तो ये सारे काम में लगता है कि हाँ भागीदारी फिर जब करने जाते हैं तो लगता है बड़े उथले स्तर पर होती है, तो फिर उसको हम आशा लेवल पर ही रख के चलेंगे ना, क्योंकि वहां पर वो अभी वो वाली सही समझ सभी लोगों में मतलब वो वाली चीज नहीं बन पा रही है, तो फिर हम लोगों को भी उसी लेवल पर करवाना पड़ता है जो भी जिम्मेदारी मिलती है, और भागीदारी करने की इच्छा भी होती है कि नहीं इस व्यवस्था में है तो कुछ ना कुछ भागीदारी करना चाहिए, मिलनी चाहिए। हाँ, देखिए मैं बताऊं कि हमारे यहाँ भी नैक आया एक ट्यू में, और उसमें फिर चर्चा हो रही थी कि किसको कौन सी जिम्मेदारी दी जाए। तो एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में मेरा नाम भी रखा गया। हमने तुरंत कहा कि मैं क्राइटेरियन 7 लूंगा, और मैंने पहले ही कह दिया उसको थोड़ा सा पढ़ के, तो मुझे दे दिया गया। अब मैंने जो उसके लिए करना था, ये जो उसके लिए करना था, तो मुझे UHV पे ही जितना काम हुआ है उसको ही प्राइमरीली देखना था, और जी उससे जुड़े हुए जो उन्होंने पिछली बार मंथली मीटिंग में भी डिस्कस किया था, उससे हाँ जुड़े मैंने कार्यक्रमों की सुनी समीक्षा करनी थी। तो थी मेरे उपयोगी हो गया, मेरे नैक को समझने में भी सहयोग मिल गया,
और मैं कैसे किसी संस्थान के विकास में सहायक हो सकता है यदि दिखाई दिया। तो यहाँ पे ये एक जरूर अवसर बनता है कि यदि कोई ऐसा प्रस्ताव आता है तो अपना रोल दिखाई कर सकते हैं, अगर तो कर दे। यदि आपको ऊपर से ही कह दिया कि आपको क्राइटेरियन 2 में लगना है, चॉइस नहीं है, परंतु यदि आपसे पूछा जाए आप कह सकते हैं क्राइटेरियन 7 दे दीजिए, वो तो पूरा ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर ही है। और उसमें आपको डेटा बनाने के लिए मैनेजमेंट से कहना भी पड़ेगा कि सर और वर्कशॉप कराइए, डेटा कम पड़ रहा है। चॉइस नहीं है भैया, 2 पता नहीं, वो 4 है इंफ्रा वाला, उस चॉइस तो नहीं है हम लोगों को, तो जहाँ पे ड्यूटी लगे आप क्राइटेरियन 7 में भागीदारी करूंगी। आप वो भागीदारी का अवसर तो वहाँ है, अगर आप अपनी तरफ से जाकर करेंगी तो कोई मना थोड़ी करेगा। तो आप कहिए कि हाँ मैं ये डेटाबेस देती हूँ आपको, इसको मुझे तैयार करने दिया जाए, और यदि डेटा कम पड़ रहा है तो मुझे इसके लिए वर्कशॉप प्लान करने दिया जाए, क्योंकि हो सकता है उतने फैकल्टी ना हो जिन्होंने वर्कशॉप कर ली है, बहुत कम है हमारे यहाँ तो। हाँ, और इनफैक्ट आप पाएंगी कि दूसरे क्राइटेरिया में भी ना कहीं उसका समावेश है। जैसे हम लोग पिछली बार जो स्टडी कर रहे थे तो क्राइटेरियन 7 में तो 100 पॉइंट्स हैं, बट यदि आप बाकी क्राइटेरिया को भी देखें तो 70-80 पॉइंट्स मिल जाते हैं वहाँ पे। तो जैसे फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम कितना हुआ है, अगर आपको क्राइटेरियन 3 में बताना पड़ता है, और क्राइटेरियन 2 में भी देना होता है कि आपने वैल्यू एडेड कोर्सेज कितने किए, तो इन सब पे आप है ना बता सकते हैं। क्राइटेरियन 4 में भी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आप बता सकते हैं कि हमारे यहाँ इस तरह की सुविधाएं है कि नहीं, ताकि हम वैल्यू एडिशन कर पाए अपने बच्चों में। हाँ, तो देखिए स्कोप तो मिल ही जाता है। ठीक है, तो एक तो जो हमको सहज रूप से उपलब्ध अवसर है उसका सदुपयोग करें, और दूसरा अपने लिए अवसर बनाए। और देखिए क्या होता है ना कि अगर हम किसी संस्थान में काम करते हुए अपना कार्यक्रम निश्चित कर देते हैं कि भाई ये हमारी भागीदारी का तरीका है, तो लोग भी आपको उसके लिए रख लेते हैं कि ठीक है भाई इनको इसी तरह काम दिया जाए। तो ये जरूर है कि हम ये ना कहें कि मेरा काम सिर्फ ह्यूमन वैल्यूज को पढ़ाना है, ठीक है, तो हम व्यवसाय में जो उपयोगी कोर्स है उसको भी पढ़ा सकते हैं, ठीक, परंतु जब भागीदारी करने का अवसर आए तो हम इस तरह का अवसर जरूर देखें। अगर संस्थान खुद ही कहता है कि आपको ह्यूमन वैल्यूज का कोर्स ही पढ़ाना है, बहुत ही अच्छा जी, ठीक है भैया, थैंक यू भैया, बढ़िया जी। इनफैक्ट मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि अभी जो कोर्सेज इंट्रोड्यूस हो रहे हैं धीरे धीरे, और एनडीपी में भी ये बात शामिल की गई कि ह्यूमैनिटीज के कोर्स और बढ़ने चाहिए, है ना, शायद वन मतलब हाफ या 2/3 तक जाने की बात हो रही है। और ये जो नए कोर्सेज आ रहे हैं जैसे डिजाइन थिंकिंग है, इसको अगर आप ह्यूमन वैल्यूज के साथ जोड़ पढ़ाएंगे तो बहुत स्कोप है, क्योंकि डिजाइन थिंकिंग में पहला स्टेप एम्पैथी का है। एम्पैथी का मतलब कि दूसरे के लिए हम महसूस कर पाए, तो संबंध के भाव के साथ ही होगा जी, बिल्कुल। तो हाँ, तो हम ऐसे कोर्सेज को भी इनकरेज करें कि संस्थान में ठीक से पढ़ाया जाए, उसकी फॉर्मेलिटी ना हो, उसमें भी जिम्मेदारी स्वीकार लें कि ये कोर्स हमें दे दिया जाए, इस पे हम प्रोजेक्ट्स कराएंगे, इस पे हम है ना वैल्यू एडिड कोर्सेज कराएंगे, बहुत संभावना है जी। और साथ ही आप खुद से प्लान कर सकते हैं बच्चों के साथ कुछ अलग से कार्यक्रम, कि भाई आप कहिए कि वैल्यू एडेड कोर्सेज की डिमांड है नैक में, तो हमें समय दिया जाए, हम हर हफ्ते इतने घंटे बच्चों के साथ लगाना चाहते हैं। बच्चों के लाइब्रेरी आवर्स होते हैं, स्टडी आवर्स होते हैं, या ऑफ टाइम होता है कुछ, उसमें हम समय लगाएंगे बच्चों के साथ। तो 30 आवर्स का होता है ना भैया, 30 आवर्स का रिक्वायरमेंट होता है ना वैल्यू एडिशन में। हाँ, और भी कोई रिक्वायरमेंट होता है? 30 आवर्स होना चाहिए, वो आपके सिलेबस से एडिशनल होना चाहिए, इस तरह की चीजें होती हैं जी। और उसमें एक सर्टिफिकेट आपको देना होता है, तो आप प्लान कर लीजिए कॉलेज की तरफ से। हाँ, हमें बच्चों के साथ टीम डेवलपमेंट पे काम करना है, 30 आवर्स का हमने कोर्स बना लिया टीम डेवलपमेंट, उसमें रिलेशन पे ठीक से बात किया, कुछ प्रोजेक्ट दे दिए बच्चों को, हो गया जी। हाँ, मैं एक अभी प्लान कर रही हूँ भैया, देखिए होता है तो मैं बताऊंगी आपको। ठीक है भैया, बढ़िया जी, थैंक यू भैया।
तो उसको दिखाई देगा आपको कि अगर हम उन क्राइटेरिया का सदुपयोग करें तो जहां पे भी हम टीचिंग कर रहे हैं वहां काफी स्कोप है हमारे लिए एक्टिव होने का। तो एक तो ह्यूमन वैल्यूज के कोर्सेज भी इफेक्टिवली पढ़ाना, इंडक्शन प्रोग्राम भी इफेक्टिवली करना, वैल्यू एडेड कोर्सेज देना संस्थान में ताकि बच्चों का वैल्यू एडिशन हो, इस तरह का बहुत सारा स्कोप है। आपको अगर नेट पे डाउनलोड करेंगे तो नैक के क्राइटेरिया सब आपको मिलेंगे और वो रिकॉर्डिंग को सुनेंगे तो उसमें भी आपको स्कोप दिखाई देगा। फिर आप अपने कॉलेज प्लान कर सकते हैं कि आप कैसे कैसे भागीदारी कर सकते हैं। तो काफी स्कोप है सिस्टम में कुछ सार्थक करने का, है ना। और जितना जितना हम उस स्कोप यूटिलाइज करते हैं ना, और हमारे अंदर कोई अलग से इसके लिए बाहर से कोई भाव पाने की आशा नहीं रहती, कोई सुविधा पाने की आशा नहीं रहती, तो सिस्टम भी हमारे प्रति आश्वस्त होता है और फिर हमें उस तरह के कामों को दे भी पाता है। हमें ना तो इसे नाम कमाना होता है, ना तो हमको इससे कोई एडिशनल इनकम जनरेट करना है, हम तो कुछ सार्थक भागीदारी करना चाह रहे हैं। तो इसको देखकर सिस्टम में बैठे हुए लोग भी आश्वस्त होते हैं और फिर उनके अंदर हमारे प्रति संबंध की स्वीकृति भी बनती है, हमारी योग्यता की स्वीकृति भी बनती है ना। जब वो आश्वस्ति देखते हैं बच्चों के अंदर, सहयोगियों के अंदर हमारे प्रति, तो उससे पूरे सिस्टम के वातावरण पे असर पड़ता है। फिर आप धीरे धीरे टीम बना पाते हैं, टीम बनता जाता है और आपको दिखता है कि बच्चे भी फिर आपसे ऐसे जुड़ पाते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स में लग पाते हैं और काफी स्कोप है उसमें करने का। तो देखिए, हम चाहे शिक्षा तंत्र में हो, स्वास्थ्य तंत्र में हो, न्याय तंत्र में हो, है ना, या हम समाज के किसी स्तर पर जिम्मेदारी स्वीकारे हुए हो, नेतृत्व कर रहे हो, ठीक, हम कहीं पुलिस विभाग में हो, कहीं पे भी हो, स्कोप तो हर जगह है काम करने का। और ये भी है कि हर मनुष्य के अंदर सहज स्थिति है इसकी। तो आप अगर कुछ सार्थक करते हैं तो स्कोप और बढ़ता जाता है, स्वीकृति और बढ़ती जाती है। बस हमें अपने भाव का ध्यान रखना होता है कि कहीं हम संघर्ष के भाव में ना आ जाए, कहीं हम विरोध के भाव में ना आ जाए, कहीं हम अपने अधिमूल्यन में न चले जाएं, कहीं दूसरे से अनुकूल भाव पाने के लिए हम गलत कार्यक्रम ना बना लें, इतना ही है। अदरवाइज स्कोप तो हर स्तर पे हर जगह है। जी जी नमस्ते। तो ये हम देखना शुरू करें कि अगर मेरे अंदर एक क्षण भी विरोध का भाव आता है तो मैं आराम में होता हूँ या परेशान हो जाता हूँ, दुखी हो जाता हूँ। संघर्ष का भाव आता है तो क्या होता है? तो ये अनिवार्यता कितनी बन रही है अपने अंदर, संबंध के चिंतन की, व्यवस्था के बोध की, सहस्तुति के अनुभव की, या अपने आप में जी एनबीए प्रोग्राम वाइज है, डिपार्टमेंट वाइज ना करते हैं तो प्रोग्राम वाइज, बट मुझे लगता है प्रोग्राम वाइज नहीं भैया, डिपार्टमेंट वाइज ही है। क्योंकि बीटेक को ना देखना, जैसे कहते हैं कंप्यूटर साइंस को मिल गया, इलेक्ट्रॉनिक्स को मिल गया, इस तरह का रहता है, जबकि नैक जो होता है वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज के लेवल पे होता है। बट ठीक है, उसको और स्टडी कर सकते हैं। सुनील भैया का एक मैसेज है यहाँ पे जी, इसको आज हम लोग ऑब्जर्व करें अपने आप में। क्या इसका नेक्स्ट स्लाइड लगा दीजिएगा। तो गृह कार्य के रूप में ये है कि देखें कि क्या मेरे अंदर हर मनुष्य के प्रति हर क्षण संबंध का भाव बना रहता है। देखें कि जब मेरे अंदर संबंध का भाव रहता है तो बाहर की घटनाओं का मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। जी, वही तो, डिपार्टमेंट वाइज एज वेल एज प्रोग्राम वाइज, ऐसा कहना ठीक होगा। तो एक तो किसी डिपार्टमेंट पर्टिकुलर को मिलता है और दूसरा उसमें भी प्रोग्राम वाइज मिलता है, तो डिपार्टमेंट वाइज भी है, प्रोग्राम वाइज भी है। ठीक बात है सुनील भैया, ऐसा मैसेज कर रहे। देखिए कि जब मेरे अंदर संबंध का भाव रहता है तो बाहर की घटनाओं का मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कोई गलत व्यवहार कर दे, मेरा किस प्रकार का विचार रहता है, मेरा कैसा व्यवहार रहता है। तो हर एक के प्रति संबंध के भाव के साथ भाव को देखने का प्रयास करना है,
वैसे देखे कि मेरे अंदर हर क्षण व्यवस्था का भाव बना रहता है, देखे कि जब मेरे अंदर व्यवस्था का भाव बना रहता है तो बाहर की घटनाओं का मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे कोई मौसम बिगड़ गया। फिर अपने अंदर व्यवस्था के भाव को देखने का प्रयास करना है। वैसे देखिए क्या मेरे अंदर हर क्षण सहअस्तित्व का भाव बना रहता है, देखें कि जब मेरे अंदर सहअस्तित्व का भाव बना रहता है तो बाहर की घटनाओं का मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर देखें कि अपने अंदर सहअस्तित्व के भाव को देखने का प्रयास कर पा रहे हैं कि नहीं। तो इस पर हम लोग कल और विस्तार से चर्चा करेंगे, परंतु असाइनमेंट के लिए तो है कि हम देखें कि चिंतन बोध अनुभव की अनिवार्यता हमको दिख रही कि नहीं, आज हम लोग इस अभ्यास को करें। छुट्टियों के दिन हम लोग अलग से अगर 1 घंटा समय निकालें अपने लिए, बैठें देखें तो काफी उपयोगी रहेगा। हो सकता है हमें कुछ जंप मिल जाए देखने में, कुछ बातों को हम स्पष्ट रूप से देख पाए, तो बहुत अनुकूल अवसर रहता है, उसका हम सदुपयोग करें। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते।